बॉयज हाई स्कूल घास मंडी जम्मू की खस्ता हाली से बच्चे परेशान। मुकामी लोगों ने रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने कई बार इंतजामिया को आगाह किया, लेकिन इंतजामिया कोई भी तवज्जो नहीं दे रही है। इन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि स्कूल की मरम्मत का काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए, ताकि मुस्तकबिल में कोई भी बड़ा हादसा रोनुमा न हो। पेश है हमारे नुमाइंदे सज्जाद चौपान की ये रिपोर्ट। जी, हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये आज़ादी से पहले ये स्कूल है, हमारा पुराना स्कूल है ये। इस स्कूल में जो है, इसकी जो दीवारें हैं वो डैमेज हो चुकी है, बिल्डिंग पूरी डैमेज है, पूरी अंदर से भी डैमेज है। मेरी आप लोगों से, मीडिया की वसारत से, मैं पैगाम देना चाहता हूँ रियासत जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट साहब से, कि अपील करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द इसकी तामीर होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्कूल रियासत जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं। मेरी गुजारिश यही है कि जल्द से जल्द इस स्कूल को भी नज़रसानी की जाए, और जो है कि ये जो है कि 7 लाख रुपये इनका सक्षम हो चुका है, मगर ये है कि ये शुरुआत नहीं हो रही है। ये क्यों नहीं हो रही है कि जल्द से जल्द डीसी साहब और बाकी लोग जो है वो आए यहाँ पर, देखे क्या हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो ट्रांसफार्म है, ये ट्रांसफार्म जो है, ये हमारा तालाब खड़ी का वार्ड नंबर 5 का नहीं है, और ये वार्ड नंबर 5 का नहीं, ये बाजार का ट्रांसफार्म लगा हुआ है और ये शिफ्ट किया जाए जल्द से जल्द। और यहाँ पर जब भी बच्चे आते हैं, और यहाँ पर कैचमेंट की